since we have reviewed different ethical theories, so now it is very important and very crucial to look at the limitations of traditional normative theories by now. jesse theories zati rehi, debate hoti rehi, or bohat sarhi discussion ke which particular researches, which points to the critically sum up crane and matin in 2007 sum up the critiques of these theories in five uh, related points. उन्होंने बहुत सारी क्रिटिक्स को कर, इकट्ठा करके पांच मेजर पॉइंट्स जो थे वो समअप किए विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू रिमेंबर द फर्स्ट इज दैट द रिडक्शनिस्ट टेक्निक्स क्रिटिक सजेस्ट दैट द फोकस ऑन वन पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ एथिक्स सच एज राइट्स और ड्यूटीज रिड्यूसिस द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एथिकल इशूज टू वन नैरो पैरामीटर उसके स्पेक्ट्रम को बहुत छोटा कर देती है इन रियलिटी जबकि वो शायद बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है अगर हम सिर्फ सोसाइटी में रिडक्शनिस्ट uh, की अप्रोच को देखते हुए तटीक करते हैं तो ये बात समझ में आती है कि हम किसी भी सिचुएशन को सिर्फ राइट right और रॉन्ग के पैरामीटर में नहीं देख सकते लेट्स से हम कहते हैं कि आपने मोटरवे uh, के ऊपर ड्राइव करना है और आपकी स्पीड 120 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और उसके साथ साथ एक पर्टिकुलर आपको स्पीड uh, लिमिट दी जाती है कि इससे कम भी नहीं होनी चाहिए तो अगर इन पर्टिकुलर सिचुएशन हम देखते हैं कि कोई ऐसा अनफोसिन वहाँ पर इंसिडेंट पेश आ गया है जिसकी लाइट के अंदर उतनी स्पीड मेंटेन रखना पॉसिबल नहीं होगा तो इट इज़ अलाउड सो इन दैट सिचुएशन द कॉन्सेप्ट ऑफ राइट एंड रॉन्ग फॉरबिडन तो हमें यह देखना बहुत ज़रूरी है कि किस तरह से हम उस प्रिंसिपल को अप्लाई कर रहे हैं द रियल वर्ल्ड इज़ कॉम्प्लेक्स एंड सच प्रिंसिपल अप्रोच टू रिजॉल्विंग डे टू डे मैटर इज़ नॉट वेरी सिंपल हम जो कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड है इसकी कॉम्प्लेक्सिटीज़ को हम इग्नोर नहीं कर सकते और हम सिंपली चीज़ों को uh, बिल्कुल राइट एंड लेफ़्ट के अंदर नहीं डाल सकते देर आर ऑलवेज सम ग्रे एरियाज़ जिनकी हम uh, थोड़ा सा मार्जिन रहने देते हैं और हम uh, फिर देखते हैं कि उस चीज़ को हम टोटली uh, totally वाइट में डाल सकते हैं या ब्लैक में डाल सकते हैं बट द द अवेलेबिलिटी ऑफ दैट ग्रे एरिया इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड इन डेली लाइफ मैटर्स हम फॉर से डिसीजन नहीं ले सकते कि इस चीज़ को अप्लाई किया जा सकता है या इस रूल को अप्लाई नहीं किया जा सकता इट कैन बी सेड दैट हु आर वी टू डिसाइड दैट एवरी वन बिलीव दैट इज़ राइट एंड रॉन्ग हमारे पास ऐसा कोई ऑटोनस इख्तियार नहीं है कि हम ये जज कर सकें कि लो, लोगों की नज़र में कौन सा अमल जो है वो ठीक होगा और कौन सा अमल जो है वो ठीक नहीं होगा बिकॉज ह्यूमन बींग्स आर ऑटोनस इंडिविजुअल्स एंड दे कैन डिसाइड देयर राइट एंड रॉन्ग फॉर देम सेल्वस सो so, अगर हम इसी पर्सपेक्टिव में जो हमने प्रीवियसली डिस्कस किया है कि सोसाइटी में राइट एंड रॉन्ग का कॉन्सेप्ट क्या है वो अगेन इज रिफरिंग बैक टू डेट कि दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट अगर हम एक ओवरऑल नॉर्म्स अच्छे इस्टाब्लिश नहीं करेंगे तो एक इंडिविजुअल एक्ट के राइट right या रॉन्ग होने का डिसीजन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा देन लुकिंग एट द फोर्थ क्रिटिक द प्रिंसिपल एंड देयर एप्लीकेशन सजेस्ट दैट एथिकल डायन कैन बी सॉल्व बाय लिविंग

और फिर उसके बाद उनसे उसका डिसीजन लेना बहुत ज़्यादा इम्पॉटेंट है द फिफ्थ पॉइंट इज़ दैट अगेन द प्रिंसिपल्स आर इम्प्लीमेंटेड इन एन पर्सनल कॉन्टैक्ट इन विच डिसीजन मेकिंग बिकम्स फॉर मैलिक एंड ह्यूमन रिलेशन इंस्टेंट्स एंड इमोशंस आर एबसेंट अगर हम सिर्फ और सिर्फ वर्चू थेरी की ही बात कर लेते हैं और अगर हम इसके अंदर ये देखते हैं कि जी हमने एक इंडिविजुअल को यह मार्जिन दिया कि उसके स्ट्रॉन्ग करेक्टर के बेस पे उसके किसी भी नेगेटिव एक्ट को हमने इतना सीरियस नहीं लिया तो वहाँ पर देर इज़ रूथलेसनेस देर इज़ इमोशनल डिसेंसिटिविटी कि हमने एक एक्ट जो कि सही नहीं था उसको अंडरमाइन किया एंड वी थाट कि ये नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं करेगा ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे जब छोटे बच्चे कुछ भी एबनॉर्मल पैटर्न सीख रहे होते हैं पैथोलॉजिकल बिहेवियर सीख रहे होते हैं तो हम सोचते हैं कि ये भी बच्चे हैं तो अभी इनको कुछ नहीं कहना ये बड़े हो के ख़ुद ठीक हो जाए सो इट्स नॉट लाइक दैट बल्कि वो उसी वक्त उस एक्ट को राइट right या रॉन्ग में डिफ़ाइन करना और उनको समझाना कि ये हमारे सेटअप में हमारी फैमिली वैल्यूज़ में ये कितना एथिकल या अन ऐथिकल है बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि बाजा अकात कुछ अनहेल्दी प्रैक्टिस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बच्चे सीख लेते हैं और वो ये जज ही नहीं कर पाते क्योंकि उनको कभी भी ये गाइडेंस नहीं दी जा रही होती कि ये आ, जो सीख रहे हैं वो ये उनकी फैमिली फाउंडेशन में राइट right कंसिडर होता है या रोंग तो मार्जिन दे देना इस चीज़ का करेक्टर के बेसिस के ऊपर विर्चू प्रिंसिपल के बेसिस के ऊपर इज़ नॉट राइट सो वी रियली नीड टू वेरी केयरफुल इन दिस मैनर वी एज़ ह्यूमन सोसाइटी एंड कल्चर आर ऑलवेज चेंजिंग वी आर कॉन्टीन्यूसली अडाप्टिंग न्यू थिंग्स वी आर डी लर्निंग द प्रीवियस थिंग एंड वी आर लर्निंग द न्यू थिंग्स और उसके साथ साथ हम ये देखते हैं कि हम उन मॉरल्स और एथिक्स को एक्सेप्ट करें जो कि हमारे चेंजिंग वर्ल्ड के साथ साथ हमें फ्लारिश करे हमें नर्चर करें हमारे फ़ायदे के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं एथिकल थेरीज प्रोवाइडर्स विद अ मॉरल मैप एक अम्ब्रेला हमें देती हैं जिसके अंदर कुछ प्रिंसिपल्स हैं जिनको यूज़ करके हम अपने बेनिफिट्स के लिए रिसर्च को कंडक्ट कर सकते हैं एंड कैन हेल्प अर्स टू पिन पॉइंट द इशूस कहाँ पर किसी इंडिविजुअल के लिए कोई भी एक्ट जो है वो डिफिकल्ट साबित हो सकता है करना उसके लिए वो इन ह्यूमन हो सकता है उसके लिए ये अनएथिकल हो सकता है एंड गिव गिव अस द आंसर टू आवर सर्टेन क्यूरीज एंड डायलेमास सो ये सारे जितने भी एथिकल प्रिंसिपल्स हैं ये इस चीज़ के लिए बहुत अच्छी अवेयरनेस देते हैं कि किन सिचुएशंस में इंफॉर्म कंसेंट का यूज़ जो है वो रिसर्चर को बचा लेता है किन सिचुएशंस में डीब्रीफिंग करना जो है वो रिसर्चर को फ़ायदा देता है किन सिचुएशन के अंदर हमें रिसेप्शन नहीं करनी चाहिए और हमें अपने रिस्क बेनिफिट रेशोस को किस तरीके से यूटिलाइज़ करना चाहिए सो तो बेनिफिट को देखना कितना सेंसिटिव है सो so ये सारी जो लिमिटेशन हैं इनके रिज़ल्ट में आज हमें एक रिफ़ाइन रिसर्च की एथिक्स दिखाई देती हैं हमें पॉलिसीज एंड गाइडलाइंस दिखाई देती है जो कि हमारे लिए और हमारे आने वाले फ्यूचर में रिसर्चर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है